हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कल ह्यूमन आई ख़त्म कर दिया, तो ह्यूमन आई ख़त्म कर दिया तो अभी नया चैप्टर तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। मैंने ह्यूमन आई के ना क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, तो क्वेश्चन वाली वीडियो में डाल दूंगी। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा पहले, तो क्वेश्चन आंसर के ना मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दे सकती हूँ। तो जब बन जाएंगे तब मैं दे दूँगी, डोंट वरी। और वैसे भी किसी ने मुझे रिप्लाई तो किया नहीं है किसी ने देख के, तो जब तक कोई करेगा नहीं क्या मैं फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट करती रहूँ। इसलिए जो टारगेट रखा है वही फिनिश कर देती हूँ। तो मैं बुक्स वगैरह फिनिश कर देती हूँ जब तक मेरे रियल में स्टूडेंट्स आते हैं जय माता दी। तो उसके बाद मैं जो मांगूंगी वो देंगे, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 12 लिखा हुआ है हमारी जे के बोर्ड की बुक में, जे के बी ओ ऐसी उसकी बुक में, जो उनकी एनसीईआरटी की बुक है। सेम मटेरियल सेम होता है, बाकी उस पर जो चैप्टर है ये थर्ड है, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर है बुक का, क्योंकि फिजिक्स पहले लिखी होती है उसमें, तो इसलिए यूनिट नंबर थर्ड है वहाँ पे। तो चलो फिर इलेक्ट्रिसिटी है, नाम ही है ना इलेक्ट्रिसिटी है ना। बत्ती आती नहीं आपके घर पर, बिजली आती है ना, काम कैसे करती है पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा ना, आइडियाज़ तो रहना चाहिए। तो चलो फिर उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, बुक की स्टडी करवा रही हूँ मैं आपको। मैंने सोचा था एक बार ही ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं ना एक एक चैप्टर की ना एक ही वीडियो में वो आपको पढ़ा दूँगी। पहले मेरा ये वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए ना जो मैंने स्टार्ट किया है। सो चलो फिर। सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मॉडर्न सोसाइटी में, है ना। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये कन्वीनियंट भी है। कन्वीनियंट मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है इसको, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, नाइन्थ में पढ़ा है ना। हाँ, तो फॉर अ वराइटी ऑफ यूजेज इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हर जगह ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। सो वट कॉन्स्टिट्यूट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या बनाती है भैया, कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स में कैसे फ्लो करती है ये, हाँ कैसे फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, किस तरह से फ्लो करती है। वट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल करना मतलब रोकना, रेगुलेट करना भाई डायरेक्शन भी देनी, इधर उधर कहाँ जाना है, ठीक है। द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से कंट्रोल और रेगुलेट की जाती है करंट, ठीक है। चलो फिर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, वी शैल अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ सच आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे उन सच क्वेश्चंस का। वी शैल ऑल्सो डिस्कस, और उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन क्या रहते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है और उसके क्या 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 उसके क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एंड वी शैल ऑल्सो डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसकी एप्लीकेशन, मतलब फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है ना। आ जाओ फिर, पहला टॉपिक आ गया आपका। ये किताब थोड़ी बोरिंग सी बनाई हुई, इसमें फोटो कम है ना। ह्यूमन आई में काफ़ी फ़ोटोज़ थी, खैर वो बिना फोटोज़ की समझ भी नहीं आती थी, है ना। तो चलो फिर ये करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट आ गया, सबसे पहला टॉपिक आपका आ गया 12.2 इलेक्ट्रिक करंट एंड उसका सर्किट होता क्या है। चलो फिर पढ़ते हैं, ठीक है। सो वी आर फेमिलियर, ये देखो फोटो दी हुई है, ये कुछ ये सर्किट ही बनाया हुआ है इन्होंने, ये जो बनाया ना छोटा सा, ये सर्किट ही है देखो, ठीक है। इसी डायग्राम में इन्होंने बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपने। बैटरी पढ़नी है, ये एमिटर है, उसके बाद गंदा हो गया, ठीक है। ये जो सेल्स लगाए हुए हैं, ये रेसिस्टेंस इन ये पैरेलल सीरीज में लगाए हुए हैं, ये और ज़्यादा अलग से वो बनाई हुई है, फिर ये दो डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये इन्होंने कंप्लीट चैप्टर एक तरह से बता ही दिया है शॉर्टकट में। ओ यार प्लीज़ डोंट डू दिस। चलो फिर पढ़ते हैं। बुक पढ़ना इज़ अ कन्वीनियंट वे, आपके सबके पास बुक होती है, तो बुक अगर आपको एक बार अंडरस्टैंड हो जाए ना बस, फिर तो आपको वो ये चैप्टर ना बहुत ईजी लगता है। मुझे लगता है बुक रीडिंग करना सबसे बेस्ट आइडिया होता है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से निकल जाते हैं, मैक्सिमम कम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में से, ठीक है ना। तो बुक रीडिंग बेटर चॉइस। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट क्या होता है, वी आर फेमिलियर विद द एयर करंट एंड वाटर करंट। हम लोगों ने एयर करंट और वाटर करंट के, एयर में करंट फैल रही है, पानी में करंट फैलती है, पता है ना। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एयर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एयर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, बट कहीं ना कहीं अगर जैसे अगर इलेक्ट्रिक वायर है तो कम से कम थोड़ा सा इम्पैक्ट तो थोड़ा सा दूर तक तो रहता ही होगा,
है ना, दूर तक तो रहता ही है थोड़ा सा एयर करंट का. तो वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट द वाटर करंट इन रिवर. ठीक है ना, वाटर करंट का क्या मतलब है यार? करंट का तुम क्या करंट क्या शॉक लगना थोड़ी होता है करंट. तुम्हारे मतलब से करंट को आप क्या समझते हो? कोई भी चीज़ फ्लो हो रही है, जैसे ये नई चीज़ है, मैं आपको हाथों से थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ. मैं अपनी फ़ोटो थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ. मैं नॉर्थ साइड से हूँ ना, तो नॉर्थ साइड से इंसान हम लोग ऐसे थोड़ी सी वो मजाक में ऐसे बात कर देते हैं. सो मैं क्या बोल रही थी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, करंट से आप क्या समझते हो पहले मुझे ना करंट वाली ना क्लियर कर दो. शॉक लगना करंट थोड़ी होती है. मैं इसको एडजस्ट कैसे करूँ, स्टैंड्स वहाँ पर पड़े हुए हैं. शॉक लगना इज़ नॉट अ करंट. ठीक है, करंट का क्या रहता है, करंट का क्या रहता है, सुनो मेरी बात. करंट रहती है, ये रिवर फ्लो कर रही है. ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है. अब मैं हाथों से बना सकती हूँ, मेरे को वो नहीं है मेरे पास, मैं डायग्राम बना के बता सकती हूँ. ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है. करंट क्या है, ये जो पुराना पानी था, ये वाला पुराना पानी, ठीक है, ये जो पुराना पानी था, ये पीछे वाला पानी, ये इसको धक्का दे रहा है. ठीक है, ये वाला पानी जो है वो उसको धक्का दे रहा है. जो पुराना वाला था वो और आगे चला गया और पीछे वाला जो है वो उसकी पोजीशन ले ली. ठीक है ना, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ कि ये देखो, ये देखना ज़रा, ये ए है, ये बी है. ठीक है, ये फ्लो कर रहा है, तो जो ये बी है, ये वाला बी है, बाद में ये ए की पोजीशन ले लेगा, है ना, और ये आगे चला जाएगा. ए बी की पोजीशन नहीं लेनी, तो ये डॉट डॉट ले लो. ठीक है ना, इसने धक्का मारा, ये डॉट उसकी पोजीशन ले लेगा, तो ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला डॉट आगे चला जाएगा. तो इस तरह से होता है ना, ऐसे दिस इज़ कॉल्ड करंट. एयर का भी ऐसा ही है, एयर प्रेशर, एयर यहाँ वाली एयर है, अगर हवा चल रही है तो नई वाली जो है वो पुराने वाली की जगह ले लेगी, और जो पुरानी वाली है वो आगे चली जाएगी, वो नई बन जाएगी आगे वाले के लिए. दिस इज़ कॉल्ड करंट, है ना, दिस इज़ कॉल्ड करंट. समझ आई, क्लियर हुआ? तो यही करंट है. अब मैं घर में ना यही कपड़े पहन के बैठती हूँ. हाँ, मेरा नया ब्रेसलेट देखा, मेरा funzilla.com एक और चैनल है, मैं वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, बहुत सारे हैं, मैं ड्राइंग्स वगैरह भी करती रहती हूँ. तो वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, funzilla.com. ठीक है, उसमें ब्लॉग्स वगैरह भी बनाए होते हैं. चलो फिर पढ़ो. चलो समझ आ गई ना करंट क्या होती है. चलो फिर, तो क्या बोला, हमको फेमिलर हैं भैया, हम तो फेमिलर हैं किससे, एयर करंट और वाटर करंट से फेमिलर हैं. सो वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर करंट इन अ रिवर. ठीक है, वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन अ रिवर. सिमिलरली द इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रहते हैं, मान के चलो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है, अपनी मर्जी से कहीं से भी घूमे जा रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता. चलो पॉजिटिव लेके चलो, मैं एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव वाली लेके चलती हूँ. कोई इधर है, इस साइड डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई इस डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई इस डायरेक्शन में घूम रहा है, अपनी मर्जी से ही घूमे जा रहे हैं, यानी इधर उधर अभी फैले जा रहे हैं. तो क्या हुआ, सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू द मेटेलिक वायर, ये इसको मेटेलिक वायर मान के चलो. ठीक है, तो वी से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इन इज़ एन इलेक्ट्रिक, क्या है, वी से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है. ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना, ये है कंडक्टर, CONDUCTOR. ठीक है, ये कंडक्टर हो गया. इलेक्ट्रिक वायर इसके साथ लगा दो, अगर इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऑन कर दी, ठीक है ना, मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, ये देखो यार, ये अच्छा सा बनाती हूँ, ये तुम्हारा, ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई पीछे को जा रहा है, मानो क्लास में बच्चे, है ना, टीचर क्लास में आया नहीं तो कभी बच्चे पीछे वाले डेस्क पे गप्पे मार रहे हैं, उधर उधर वाला इससे गप्पे मार रहा है, उससे गप्पे मार रहा है, इस तरह से क्लास. फिर क्या हुआ, आया टीचर क्लास में, अब यहाँ पे टीचर कौन है, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट टीचर. ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा वाला नेगेटिव होता, ठीक है, ये आया टीचर, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू कर दी. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना शुरू कर दी. अगर चार्जेस नेगेटिव हों तो पॉजिटिव वाले साइड पे ये उसी के ऑपोजिट जाते हैं, नेगेटिव हों तो उसकी साइड और पॉजिटिव हों तो उसकी साइड. ठीक है, तो ये जो शरारती बच्चे थे, जैसे ही कोई टीचर आया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है ना, तो ये शरारती बच्चे सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देंगे. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे.
तो ये जो शरारती बच्चे हैं यहाँ पे इस वाली डायग्राम में, इनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या बोलेंगे इनको? इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, समझ आया? क्लियर हो गया? पढ़े फिर आगे, चलो पढ़ते हैं, है ना? फ्लो करना शुरू कर दिया। तो वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टर में फ्लो हो रही है। इन टॉर्च, टॉर्च में क्या होता है? वी नो दैट द सेल, सेल कौन से हैं? सेल बैटरी विद द प्रॉपर ऑर्डर, उसको ऑर्डर पे लगाया जाता है ना, ये एक सेल है, तो उसके आगे अगर मैं दूसरा सेल लगाऊंगी तो मैं इसी तरह से लगाऊंगी, है ना, ऐसे ही लगाऊंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि इसको मैं ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके लगा दूंगी, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं लगाती मैं, नहीं ना, ये है प्रॉपर ऑर्डर, है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, है ना, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, इसी तरह से किया जाता है, ऐसा ही है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में थोड़ी लगाते हैं, तब तो चलेगा ही नहीं सिस्टम। तो यही बोला उसने, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर, यही 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 चीज़ बोली उसने। तो व्हेन प्लेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड करता है, क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। इलेक्ट्रिक चार्जेस पास करवाने हैं ना, एक के बाद एक पास करवाने हैं, सो दैट हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करते हैं, चमकना शुरू करते हैं, क्या है ना, तभी चमकेगा हमारा बल्ब, तभी चमकेगा जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, है ना, बिना अपनी अपनी मर्जी से थोड़ी चमकता है, इसके अंदर थोड़ी ना वो बैटरी लगी होती है। सो आगे पढ़ो। सो वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट व्हेन दे स्विच ऑन। अच्छा अच्छा तो हम लोगों को पता है जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट गिव करना शुरू कर देती है, टॉर्च जो है वो लाइट देना शुरू कर देती है। तो व्हेन व्हाट डज अ स्विच डू? स्विच क्या करता है? रेसिस्ट करता है, रोकता है। हमारी जब मर्जी होगी हम ऑन कर सकते हैं, हमारी जब मर्जी होगी हम लोग ऑफ कर सकते हैं, स्विच का काम है, ठीक है ना, कंट्रोल करना। तो व्हाट डज स्विच डू? अ स्विच मेक कंडक्टिंग लिंक। स्विच क्या करता है? कंडक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, ठीक है। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, ठीक है, एक लिंक बनाता है। ये सर्किट है, ये बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है, ये ग्लो नहीं कर रही, मैं ये ग्लो अभी नहीं हुआ, ग्लो कराऊंगी, ये मैंने एक बल्ब लगा दिया, ये बैटरी भी दे दी, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, चलो ऐसा स्विच नहीं लगाती, ऐसा लगा देती हूँ। स्विच का क्या काम है? इसने बोला ये स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, ठीक है। अब ये जो की है इसको मैं नीचे की तरफ झुका के इसके साथ चिपका दूँगी, ठीक है, ऐसे है ना की, ऐसा है ना, तो इन दोनों को मैंने क्या किया? चिपका दिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया? ज्वाइन करा दिया, मतलब स्विच है ना, ऑन ऑफ करने का स्विच है ना, तो इसको स्विच को मैंने क्या किया? ज्वाइन करवा दिया, तो ये चिपक गए, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है सच में फ्लो करना शुरू कर दिया इसने, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो करना शुरू कर दिया, इसने स्विच का यही काम है, इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो करना शुरू कर दिया ना, तो यहाँ पे यही काम है इसका, जिसको हम लोग की भी बोलते हैं, की बोला जाता है स्विच को, कि ये ब्रिज बनाती है, ठीक है, ये ब्रिज की तरह काम करती है, कंडक्टिंग लिंक की तरह काम करती है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। और जब मैंने ऑन कर दिया स्विच, जब ये इसको नीचे की तरफ भेज दिया और मैंने चिपका दिया, ठीक है ना, तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गई, फिर हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा, ये इसके बीच में फिलामेंट भी होता है ना बल्ब के बीच में, तो हमारा बल्ब ग्लो करना चमकना शुरू कर दिया इसने, है ना, हमारे बल्ब ने चमकना शुरू कर दिया। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी, मैं डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ, डायग्रामेटिकली समझना बहुत इफेक्टिव होता है, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। मैं नई नई डायग्राम्स पे ला के दे सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो यार बुक से पढ़ाओ पहले, ठीक है ना, लास्ट में ना अगर रियल में मेरे स्टूडेंट्स अगर आप मुझे बुक करोगे तो मैं पूरा चैप्टर एक एक दिन में भी लेकर आऊँगी। टेंथ वालों की तो स्टडी ऐसी होगी जैसे मक्खन की तरह, ठीक है ना, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है टेंथ वालों का, बाकी मैं केमिस्ट्री वालों को तो मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ा रही हूँ उसके मैं जो मैंने वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन टेंथ वालों को बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं आपको सोते सोते भी पढ़ा सकती हूँ। हाँ चलो फिर आगे। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ बन जाता है ना, ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एन क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जो मैं बार बार बना रही हूँ, ठीक है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, ये बल्ब बना दिया,
ठीक है, रेसिस्टर भी बना दूँ, ये लो बना दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी तब जाके बल्ब ग्लो करेगा, है ना, स्विच ऑन ऑफ होगा तब भी जाके हम अपनी मर्जी से स्विच बल्ब ग्लो कर सकते हैं, मतलब अपना काम करवा सकते हैं। सिर्फ बल्ब थोड़ी ना करवाना है, इलेक्ट्रिक हीटर भी तो चलाना है, अप्लाइंसेस भी तो चलाने हैं, गर्म भी तो करनी है, रॉड कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी काम करना है, सिर्फ बल्ब थोड़ी ना जलाने हैं, पंखा भी तो चलाना है हमने, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर तो सब कुछ करना है। तो क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ हो गया, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो नाउ इफ़ द करंट इज़ ब्रोक अप एनीवेज, अगर करंट, ये जो सर्किट है अगर टूट जाए तो, हाँ, अगर सर्किट टूट जाए तो, और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्नड ऑफ, ठीक है, या तो स्विच ऑफ द टॉर्च जो है वो टर्नड ऑफ हो गई है, ऑफ हो गई, बंद हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड बल्ब डू नॉट ग्लो, ठीक है, डज नॉट ग्लो, ठीक है, तो क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देगा, ठीक है ना, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, इससे क्या होगा, अगर हम लोग स्विच ऑफ कर दें तो, है ना, स्विच ऑफ कर दें तो ऐसा ही होगा, की को ही हम स्विच बोलते हैं, सर्किट में अगर आप की देखो ना, दैट इज़ कॉल्ड स्विच, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना। सो हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर दो अपनी बुक पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज एक्सप्रेस बाई द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया एंड अ यूनिट टाइम। क्या बोला इसने, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है जो कि एक्सप्रेस की, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो है अमाउंट ऑफ चार्जेस, मतलब कितने चार्जेस, अमाउंट ऑफ कितने चार्जेस फ्लो हुए हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया, मतलब ये मान के चलो ना ये यूनिट एरिया है, कुछ मीटर्स का एरिया ले लो, ठीक है, इसमें कितने, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्जेस जो हैं वो फ्लो हुए हैं, एक धक्का मारेगा तो दूसरा आएगा ना, दूसरा नई जगह ले लेगा, आपको मिलेंगे दिखेंगे तीन ही, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, यहाँ पे धक्का मार रही है तो ये नया आएगा, फिर उसकी पोजीशन पुराना ले लेगा, पुराने की जगह नया ले लेगा, फिर इसी तरह से करंट यही है ना, रिवर, अभी मैंने करंट की डेफिनेशन आपको समझाया ना, करंट क्या है, जो फ्लो करती रहती है, जो फ्लो हो, रिवर क्या है, करंट, रिवर करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लो होती रहती है, समुंदर को तो नहीं बोलेंगे ना हम, है ना, उसमें वेव्स आती हैं, वो करंट थोड़ी होती है उसमें, हाँ, वेव करंट भी होती है ना, जब वेव आती है एक के बाद एक, दैट इज़ कॉल्ड वेव करंट। सो एयर करंट, हवा की करंट है ना, तेज से हवा आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, मान के चलो 2 सेकंड्स में कितने चार्जेस फ्लो किए इतने एरिया में, वो होगी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, ये डेफिनेशन को प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। सो इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या होता है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, अगर हम लोग और आसान तरीके से बोलें तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो, रेट क्या है, स्पीड होगी, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हो गया है एंड इन द सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स, अगर हम लोग जब सर्किट बनाते हैं मेटेलिक वायर्स को बना बना के, है ना, ये जो सेल लगाया तो ये जो साइड पर ये जो तारे दिख रही हैं ये इलेक्ट्रिक वायर्स तो हैं, है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स ही है ना, ऐसा ही है जी, है ना, तो इलेक्ट्रिक वायर्स ही हैं, इन द सर्किट यूजिंग इलेक्ट्रिक वायर मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन ही है जो फ्लो हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्जेस हम लोग उन्हीं को बोल सकते हैं, तो करंट तार में जो घूम रहे हैं वो चार्जेस ही हैं जो एक के बाद घूमे जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं और घूमते हैं, वो पुराने वाले आगे चले जा रहे हैं, नए वाले उनकी पोजीशन लिए जा रहे हैं, तो हाउएवर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वर नॉट नोन एट द टाइम, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व, तो क्या हुआ था जब फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व हुई थी ना, ठीक है ना, जब फर्स्ट हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन, तब हमको को पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जब इलेक्ट्रिसिटी पहले बनी थी तो ये नहीं पता था क्या होती है, बस बना दी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से गलती से उनसे बन गई होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो तब नहीं पता था कि फ्लो कैसे होता है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ी ना डेफिनेशन पता होती है, तो हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वाज फॉर फिनोमेना, मैंने कल भी बताया था ना उसका मतलब इवेंट, ठीक है, या कोई भी चीज़ बनती है तो उसको कैसे होती है, क्यों होती है, या फिर उसके फैक्ट्स क्या होते हैं, वो उसको बोलते हैं फिनोमेना, ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ, उस टाइम पे नहीं पता था फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट जब ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व की थी. सो द इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वॉज कंसिडर एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वॉज कंसीडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वॉज टेकन अप टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब अगर सर्किट से इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ से ऐसे ऐसे करके फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा लो, तो ऐसे ऐसे करके फ्लो हो रहे हैं, तो वही इलेक्ट्रिक चार्जेस की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना, ये छोटा वाला नेगेटिव होता है, ये बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव का होता है, ठीक है ना. तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये चार्जेस जो है ना यहाँ पे जो फ्लो हो रहे हैं ये पॉजिटिव वाले हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओ आ गया. वॉज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ, उसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले लेंगे. सो कन्वीनियंटली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट. कन्वीनियंटली अगर हम लोग अपने कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी देरी रहेगा, ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी इसकी. कन्वीनियंटली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अ पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना. तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उनकी डायरेक्शन जो है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, उसको ऑपोजिट. तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द डायरेक्शन, यार ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, दो मिनट हो जाता है, चला गया. तो कहाँ तक पहुँची, हाँ, कन्वीनियंटली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम लोग मान के चलते हैं कि इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर जो कि अगर नेगेटिव, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन पे, विच इज़ नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस को मान के चलो तो वो ऑपोजिट हो रही है, टेकन टू दी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को ले लेते हैं. आगे आएगी डायग्राम, आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना. बस ये याद रखो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना. और अगर हम लोग डेफिनेशन और अच्छे से देख लें तो नंबर, ये पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड. आगे क्या है, कोई भी डायग्राम नहीं है इसमें, इन्होंने डायग्राम्स दी ही नहीं है. जो मैंने अभी अभी डायग्राम्स बनाई है ना, ये साथ साथ में देखते जाना, ठीक है. उन्होंने एक ही डायग्राम नीचे बनाई है, ये देखो सिस्टमेटिक डायग्राम एक ही बनाई हुई है. तो जो है स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको बनाई है ना, ये अपने कन्वीनियंस के लिए बना लेना, ठीक है ना. इवन मैंने आपको समझाते आपको बनाई है, साथ साथ में याद रहेंगी, ठीक है. सो आगे आपका, चलो. सो इफ़ द नेट चार्जेस, और नेट चार्जेस को मान के चलो क्यू, ठीक है ना. इफ़ द नेट चार्जेस क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो वो फ्लो कर रहे हैं. इफ़ द नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम टी, ठीक है, कोई भी क्रॉस सेक्शन है, ये आ गया ना, ये सर्किट ले लो, ये सर्किट नीचे बना हुआ है, अब उसको ही देख लो, खुद बनाने की प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है ना. तो ये मैंने बल्ब बना दिया. तो ये क्या है, नेट चार्जेस कितने फ्लो हुए, ये चार्जेस कितने फ्लो हुए, चार्जेस इनको क्यू मान के चलो, चार्ज इज इक्वल टू, ठीक है, चार्ज जो है वो क्या है, क्यू मान के चलो अक्रॉस द एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन. अब क्रॉस मारना नहीं शुरू कर देना यार, किसी कंडक्टर के अंदर पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर इन दैट किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर. ये लो, ये कंडक्टर ले लो ना, ये इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इसको वो बना, ये इलेक्ट्रॉन पास करवा रहे हैं, इतना ही एरिया है, ये पूरा एरिया हमारा, ठीक है, इस एरिया में इतने टी टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे 3-4 पास हो रहे हैं, ठीक है. तो ये आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया नेट चार्जेस, ये नेट चार्जेस क्यू, ठीक है, नेट चार्जेस क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इतने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर, ठीक है, करंट आई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, क्यू अपॉन टी. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू अपॉन टी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्यू अपॉन टी, ठीक है, क्या बनेगा इसका, आई करंट
इज इक्वल टू चार्ज नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो अपॉन इतने पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो दिस इज नेट करंट, ये करंट फ्लो हो रही है, ओके। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कूलम। तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ना। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनिट जो हमारा है वो है एसआई यूनिट। पता है ना क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है आपका। इलेक्ट्रिक करंट उसका है कूलम। इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज क्या है, एसआई यूनिट क्या है, कूलम, सी ओ यू एल ओ यू एल ओ एम बी, कूलम, ठीक है। सी के साथ इसको डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट, किसके बराबर होता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द इक्विवेलेंट, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंड इज नियरली 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके, 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो वी नो दैट, हमको पता है, वी नो दैट दैट एन इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पोजेस करते हैं उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1.6×10⁻¹⁹, ठीक है, कूलम। और ये जो है चार्ज कंटेन इक्विवेलेंट टू, जो चार्ज कंटेन इक्विवेलेंट है, ये अलग वैल्यू है, ठीक है, 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्ज पर कूलम, ये जो है एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, विच इज़ इक्विवेलेंट टू कितने चार्जेस होता है, 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसकी बात करें, वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस नेगेटिव, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है ऑफ नेगेटिव चार्जेस इतना 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, बस ये याद रख लेना। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको अभी याद हो जाए, है ना, अभी याद हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, तो इसलिए याद करना भी ज़रूरी है ना, दिमाग में बैठ जाएंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं रहती किसी चीज़ की, आपके दिमाग में बस बैठ ही जाती है बात। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर, ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट, उनका नाम नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट जो थे, क्या नाम था उनका, एंड्रे मारी एम्पियर, ठीक है, एंड्रे मारी एम्पियर 1775-1836 में जन्म हुआ और उनका मतलब देहांत हो गया, एंड्रे मारी एम्पियर, ठीक है, ANDRE, एंड्रे मारी एम्पियर, याद रख लो, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अलग से याद रहे, ठीक है ना। अब बुक्स में भी आप बुक्स में खो जाओगे, इससे बेटर है कि मैं पहले ही आपको हाईलाइटिंग करवा रही हूँ, तो ये भी याद रख लेना। सो वन एम्पेयर इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, अब वन एम्पेयर की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, अलग 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 जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, वैसे वैसे ना नोट्स बनाते जाओ अपने, ठीक है, फिर आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी आपका जैसे ना मक्खन की तरह हो जाएगा, मैंने बाकी दो चैप्टर्स करवाए हैं वो भी आपके ऐसे मक्खन की तरह हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप पीछे वाली मेरी वीडियोस देखते हो तो पूरी की पूरी आपका पूरा टेंथ ऐसे, टेंथ की फिजिक्स तो ऐसी हो जाए, ऐसे करके मक्खन की तरह याद हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वन एम्पेयर इज़ कॉन्स्टिट्यूट, वन एम्पेयर किसके बराबर है, ये जो वन एम्पेयर है इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ कूलम ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, ठीक है। तो एक एम्पेयर किस लिए बराबर होता है, एक एम्पेयर होता है कि एक कूलम चार्जेस जो है एक सेकेंड में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, वन एम्पेयर इज इक्वल टू वन कूलम चार्जेस जो हैं वो अपॉन वन सेकेंड, ठीक है ना। वन एम्पेयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ वन कूलम ऑफ चार्जेस पर सेकेंड। सो दैट इज क्या हो गया, वन एम्पेयर इज इक्वल टू वन कूलम अपॉन वन सेकेंड, ठीक है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द करंट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द करंट, अगर और स्मॉल क्वांटिटी की बात करेंगे ऑफ द करंट, उसको हम लोग मिली एम्पेयर बोलेंगे, छोटा करना ना, तो मिली मतलब एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते, 10 होते हैं, तो वन मिली एम्पेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसको 1000 के साथ मिली एम्पेयर, मीटर में 1000 होते हैं, सेंटीमीटर में तो 10 होते हैं, मीटर में 1000 रहते हैं ना, क्योंकि एक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर तो 1000 हो जाते हैं, तो इसलिए 1/10 1000 भी तो आ जाएगा, तो 10,000 को रेस टू पावर हम लोग लिखेंगे 10⁻³, ऊपर लेके जाएंगे ना, है ना, क्लियर हो गया ना। तो ये लिखा हुआ 1 mA इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर हो गया, और माइक्रो एम्पेयर और छोटा हो गया, तो माइक्रो एम्पेयर को म्यू का साइन दिया हुआ है, ये देखो, ये जो म्यू है ना, ये जो है ये माइक्रो मतलब मिली से भी छोटा कर दिया इसने, है ना, तो मिली से भी छोटा कर दिया, तो इसने और ज़्यादा छोटा कर दिया, इसमें 6 जीरो लगते हैं,
है ना, 1000 × 1000 हो गया तो 10^-6 एम्पेयर हो गई इसकी, माइक्रो एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है, इजिकल टू 10^-6 हो गई, और मिली एम्पेयर हो गया 10^-3, ठीक है। क्लियर कर रही हूँ मैं ये सारी की सारी चीज़ें, सो आपको याद रहें, लिख लिया करा करो साइड पे अपनी याद के लिए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है एमीटर, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर, EMMETER, वो किस लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है सर्किट के अंदर, सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, एमीटर जो होता है वो चेक करता है, ठीक है ना। आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर में होता है ना सुई जो इधर उधर घूमती रहती है, कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आपको बता रही है, दैट इज़ कॉल्ड एमीटर। आपके घर में जो जनरेटर, जनरेटर नहीं, ये जो है हमारा बैटरी वाला सिस्टम होता है, बैटरी होती है उसमें एमीटर करंट बताती रहती है ना, सुई ऐसे करके, ऐसे करके बताती रहती है, नहीं ये आपका सेमी सर्कल है, इसके ऊपर ऐसे करके है, ये सुई है, तो ये शो होती रहती है करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एमीटर। तो ये आ गया, ये एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहती है ना, ये बैटरी है तो इसके सीरीज में ही एमीटर, ये जो जीरो ये एमीटर का साइन, ये इसी के सीरीज़ में, सीरीज़ होता है साथ में, साथ साथ में तारों के साथ तार जोड़ के, ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल आगे आएगा टॉपिक, तो सीरीज़ होता है साथ साथ में, पैरेलल होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऑपोजिट पैरेलल। सो एमीटर जो होता है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर, ठीक है ना। तो करंट किस तरह से मेजर हो रही है, हमेशा उसको सीरीज़ में लगाया जाता है, इसीलिए तो वो करंट को मेजर कर पाएगा, वरना कैसे चलेगा, है ना। तो फिगर 12.2 जो है वो शो कर रही है द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को टिपिकली शो कर रही है। मैंने हज़ार बार तो समझा दिया, अब तो डायग्राम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तो डायग्राम बना के समझाया मैंने आपको। टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, उसमें सेल लगा, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा, एमीटर लगा, प्लग की भी लगी, तो जितनी भी चीज़ें इन्होंने समझाई हैं ना वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो नोट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द करंट, नोट करो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव। अच्छा ये भी सपोज कर लेना कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है करंट उधर से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं डायग्राम, तो ये आपका आ गया डायग्राम, ये रहा बल्ब, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रही है, देखो ध्यान से, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रही है, आई फॉर करंट, बी फॉर बल्ब, ठीक है, के ये की होगी, ज्वाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चल पड़ेगी, ज्वाइन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी नहीं। ये छोटी वाली लाइन को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं और पॉजिटिव वाली लाइन को, बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और करंट पॉजिटिव से जा रही है, यही बोला उसने, ठीक है, और ये है आपका एमीटर, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट की कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। कोई भी डेफिनेशन कोई भी दोगे ना इसमें, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात आती है ना, कोई भी चीज़ समझानी होगी ना उसकी डायग्राम पक्का बना देना, छोटी छोटी डायग्राम है, अगर की पूछा है तो की बना के रख देना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही इस तरह से आपको साइंस दे दी है ना, बस ऐसे करके ना डायग्राम बना के देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, एग्जाम्पल करना ज़रूरी होता है। तो ये करंट है कितने एमीटर की, 0.5 एमीटर की वो ड्रॉ हो रही है बाय द फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट क्या है, बल्ब के बीच में जो फिलामेंट होता है, जो कार्बन का पता है ना उसको फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब से इतनी करंट जा रही है जो कि 10 मिनट के लिए, टाइमिंग 10 मिनट के लिए। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था ना, I = Q/T किया ना, I = Q/T। तो इसमें इन्होंने क्या, इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया एमीटर करंट दिया है ना, करंट जो है वो ये है, ये मीटर मीटर एम्पेयर करंट एम्पेयर में होती है ना, है ना। तो 0.5 एम्पेयर होगी आपकी करंट, इसका फॉर्मूला चेंज कर लो, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब क्यू निकालना, हमने हमारे पास फॉर्मूला है I = Q/T, यही है ना फॉर्मूला, I = Q/T। लेकिन क्वेश्चन में हमें मांगा है, क्या मांगा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ये हो गया, तो Q = I * T हो जाएगा, है ना। आपने लिए प्यारा सा फॉर्मूला, प्यारा सा अच्छे से फॉर्मूला ना कॉपी पे लिख लेना, बना लो,
बना लेना है ना, थोड़ा दिमाग ही लगाना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस है, तो आपको करंट भी दी हुई है और टाइम भी दिया है, तो चलो फिर। और करंट मिनट्स में दिया हुआ है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। तो 10 मिनट है, 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाई कर लेना तो 600 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट आपकी आ गई, सॉरी टाइमिंग आपकी आ गई 600 सेकंड्स, एंड आपका करंट आ गई आपकी 0.5 एम्पेयर। तो करो फिर क्वेश्चन सॉल्व। तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू टी, आई आपका है 0.5 एम्पेयर इंटू करंट, इसका टाइमिंग कितना 600 सेकंड्स। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 6 5 का 30, ठीक है। यहाँ से एक 10 जाएगा तो ये जीरो खाली हो जाएगा, तो एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया कूलम आपका चार्जेस, 300 कूलम आपके चार्जेस आ गए इस क्वेश्चन के लिए, ना छोटा सा क्वेश्चन था। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन, इलेक्ट्रिक करंट का मीन क्या है। अब तो आप आराम से बता दोगे क्वेश्चंस के आंसर, है ना। एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट क्या है, आप बताओ, मैं नहीं बताना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्जेस क्या है, वन पेयर ऑफ पॉन, ये क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप बताओ, मैं नहीं बताना। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्सला मैं आपको कल स्टार्ट कराऊंगी, ये फ्रेश टॉपिक है आज के लिए। कितना हो गया, इतना टाइम हो गया, 36 हो गया ना, कितना लंबा चैप्टर है एक बार देख लूँगा। ओम्सला के बाद क्या है, सर्किट डायग्राम हो गया, ओम्सला हो गया, फिर इसके बाद आ गया फैक्टर्स आता, ओम मसला के बाद ये आ गया रेसिस्टेंस, हाँ ये आ गया सिस्टम और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पैरेलल सीरीज आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, ये थोड़ा सा लंबा है, 4-5 लेक्चर्स लगेंगे इसके, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 5-6 तो लग ही जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये अच्छे से करवा दूंगी मैं आपको, टेंशन नहीं लेनी। चलो थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर कम हो जाएगा। जल्दी कराना है तो 2-3 टॉपिक को उसके कवर करने पड़ेंगे, तभी जाके ये ख़त्म होगा। चलो फिर, तो फिर ये आगे वाला फ्लो ऑफ चार्जेस इनटू द वायर इनसाइड द वायर, मैंने सोचा ये पढ़ा दूंगी लेकिन ये टाइम वेस्ट है, ये आप लोग पढ़ लो, ठीक है। खुद ही फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द वायर किस तरह से फ्लो करते हैं, तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा ही दिया है, ये रीड कर लेना आप खुद ही कर लेना। तो अभी हम लोग नया टॉपिक पे पढ़ लेते हैं, 12.2 पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, तो ये भी पढ़ा ही देती हूँ आपको, फिर नहीं तो रहता फिर ना, फिर ज़्यादा ही वीडियोज़ ज़्यादा बन जाएंगी फिर इसकी, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सो व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, क्या बनाता है, क्या चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करती है, फ्लो बनानी है। मैंने ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही समझा दी थी आपको। सो लेट अस कंसीडर द एनालॉगी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, हम लोग फ्लो ऑफ वाटर की एनालॉगी मतलब उसका जो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो सिस्टम है वो लेके चलते हैं। चार्ज डू नॉट फ्लो इन द कॉपर वायर, अपनी मर्जी से नहीं चार्ज घूमते, ठीक है ना। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन द कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, खुद से नहीं फ्लो करते, जस्ट एज द वाटर इन द परफेक्ट हॉरिजेंटल ट्यूब। जैसे परफेक्ट ये हॉरिजेंटल ट्यूब ले लो, ठीक है, ये हॉरिजेंटल ट्यूब है और पानी यहाँ से निकल रहा है, फ्लो कर रहा है ना, तो नया वाला क्या कर रहा है, पुराने वाले की जगह ले रहा है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया पहले स्टार्टिंग में, करंट मैंने बता दी थी, करंट यही बताया था। तो इफ द वन एंड ऑफ द ट्यूब जो होता है कहाँ, जस्ट एज द वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजेंटल ट्यूब डज नॉट फ्लो, अगर हम लोग पानी को ऐसे करके सीधे समतल टैंक में रखा हुआ है तो पानी फ्लो थोड़ी करेगा, जब तक नया वाला धक्का नहीं देगा तब तक नहीं फ्लो करेगा। हॉरिजेंटल वाला सीधे ग्रेविटेशन की ग्रेविटी की वजह से वो सीधा खड़ा रहता है, ठीक है ना, वो फ्लो नहीं करता। सो इन द एंड ऑफ द ट्यूब क्या होता है, इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ द वाटर कैप्ट इन अ हायर लेवल, अगर हम लोग उसको अगर टैंक को हॉरिजेंटल की जगह ऐसे करके टेढ़ा कर दें, है ना, हॉरिजेंटल की जगह अगर हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, मैं अपनी तस्वीर को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, अगर हम लोग अपनी टैंक को थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा कर दें, ऐसे करके हॉरिजेंटल की जगह ऐसे सीधी की जगह ना ऐसे करके टेढ़ा करते हैं, वाटर फ्लो करना शुरू कर देगा ग्रेविटी की वजह से, है कि नहीं।
सो क्या होगा इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर कैप्ट एट अ हायर लेवल, है ना, ऐसे करके टेढ़ा करते हैं तो सच दैट देयर इज अ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा ऑफ द टू एंड, यहाँ का प्रेशर नीचे को जा रहा है सो वाटर फ्लो आउट, तो वो उस ट्यूब से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसको टेढ़ा कर दिया ना भाई, है ना, तो फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटेलिक कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, तो पानी का फिनोमिना पता चल गया आपको, तो फिर उसका उसकी बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी होती है ऑफकोर्स हैज नो प्ले, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर जब तक देंगे नहीं ना, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, तब तक बोला रन करना शुरू नहीं करेगा, ठीक है, तो अलॉन्ग द कंडक्टर, तो दिस डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय द बैटरी, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये प्रोड्यूस बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, बैटरी क्या करती है इलेक्ट्रिक करंट वो पास कर देती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं पुराने वाले नए वाले को धक्का मारते जाते हैं, बैटरी यही काम करती है, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय द बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है ना, ये जो केमिकल एक्शन है सेल सेल के बीच, सेल कैसे काम करते हैं, उसमें केमिकल डाला होता है ना, है ना, केमिकल डाला होता है, आपने वर्किंग ऑफ सेल पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, टेंथ में या एट्थ में, टेंथ में नहीं पढ़ी होगी आपने, नाइन्थ में या एट्थ में पढ़ी होगी, एट्थ में तो है सेल वाला चैप्टर, इतना मुझे पता, ठीक है, तो द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ टर्मिनल ऑफ द सेल्स, ठीक है ना, ये सेल दूसरे सेल के साथ, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ये वाला प्रेशर इसको दे रहा है और ये वाला जो है आगे के बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी देगा ग्लो करने के लिए, ये बैटरी है ना, बैटरी के बीच में जगह बनती है सेल्स डालने की, है ना, ये बैटरी है, बैटरी नहीं सॉरी टॉर्च ले लो, इलेक्ट्रिक टॉर्च, इसमें बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे फिलामेंट, ठीक है, ये मैं इतनी गंदी डायग्राम बना रही हूँ, तो इसके बीच में हम लोगों ने सेल्स डाले, है ना, तीन डाल लो, तो ये क्या कर रहा है, ये पावर दे रहा है ना, है ना, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे ऐसे करके, तो ये फिलामेंट फिर ग्लो करना शुरू कर दिया, तो ऐसा ही है, तो केमिकल एक्शन जो होता है ये केमिकली एक्ट कर रहा है इसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पानी या इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी दे रही है सेल में, तो दो केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट्स करता है पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल ऑफ द सेल्स इवन व्हेन नो करंट, तब भी जब करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, इट इज़ नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट, कोई करंट थोड़ी ना ड्रॉ होने हो रही है, तब भी बात कर रही हूँ मैं, तब की बात भी कर रही हूँ, ठीक है, सो व्हेन द सेल इज़ कनेक्टेड, अगर सेल कोई कनेक्टेड है वो टू अ कंडक्टिंग करंट सर्किट एलिमेंट, अगर सेल जो है इज़ कनेक्टेड है टू द कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट के साथ, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेट करेगा द चार्जेस इन द मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस करेगा एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेट करेगा द चार्जेस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, द सेट करेगा चार्जेस को मोशन इन द कंडक्टर, ठीक है ना, मोशन क्या है, चलना हिलना, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना, ठीक है ना, हिलना डुलना सब कुछ मोशन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, और यही चीज़ ये जो मोशन में आ जाता है ना सारी चीज़ें, इसी को इलेक्ट्रिक करंट, यही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देगी, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन सर्किट, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सर्किट करंट को अगर हम लोगों ने मेंटेन रखना है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो सेल हैज़ टू एक्सपैंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट, तो अगर हम लोगों ने और करंट फ्लो करनी है तो सेल को और एक्सपैंड होना पड़ेगा और केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर है उसके ऊपर और काम करना पड़ेगा, सो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम लोग अगर डिफिनेशन की बात कर रहे हैं, आप समझ तो लिया फिनोमिना सारा का सारा ना, समझ लिया कैसे काम करता है, डिफाइन भी तो करना है, पेपर में हमसे भागा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमें पता भी तो होना चाहिए ना कैसे होता है, ठीक है ना, तो द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बैटरीज, तो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दो पॉइंट्स हैं इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज एज अ, उसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एज अ वर्क डन बताएंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एज अ वर्क डन बताएंगे टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है, मूव करना एक पॉइंट चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, कितना वर्क डन किया, वर्क यही होता है ना, हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि
एक पोजीशन से ए पोजीशन से बी पोजीशन से जाने में कितना जोर लगा, दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन। तो यही बोला उसने, ठीक है ना। हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालने की बात कर रहे हैं तो देर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट्स का, ठीक है, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट। एक सर्किट है उसके बीच में कुछ करंट भी फ्लो हो रही है, तो एज अ वर्क डन, ठीक है, इन टू मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट को ये चार्ज को मूव कर रहा है डी 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 ऐसे करके आगे लेके जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके लेके जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट है इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। क्या है वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या हो गया ये वर्क डन अपॉन चार्ज हो गया, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है ना। वी पोटेंशियल डिफरेंस, बी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू क्या है चार्जेस, ठीक है, क्यू क्या है चार्जेस, ठीक है, क्यू है वी आ गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू अपॉन क्यू चार्ज, सी एच ए आर जी चार्ज, ये वर्क डन डब्ल्यू ओ आर के डी ओ एन, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पी ओ टी ई एन टी आई ए आर डिफरेंस, ठीक है। नीचे भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा है, ये लिखा हुआ, ये लिखा लिखा हुआ सारा लिखाया, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखूंगी तो आपको हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा, बस और कुछ नहीं है। आगे क्या है, ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वोल्ट, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रही हूँ मैं, ये जो ऐसा ही यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का है इज इक्वल टू वोल्ट हो गया। वोल्ट मतलब वी, वी से डिनोट किया वोल्ट, वोल्ट मतलब वी, नेम्ड आफ्टर द नाम है बंदे का एलेक्सेंड्रो वोल्टा, एलेक्सेंड्रो वोल्टा, ठीक है, उनके नेम पे है एलेक्सेंड्रो वोल्टा, ठीक है। इन 1745 से लेके 1827 तक एंड इटालियन फिजिस्ट है, ये इटालियन फिजिस्ट है। वन वोल्ट इज़ अ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वन वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, वन वोल्ट क्या है, वन वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव वन चार्ज ऑफ वन कूलम, ठीक है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो ये आ गया आपका वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल इज अपॉन वन कूलम, ठीक है ना। वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन वन कूलम, अगर कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो वन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना इसके ऊपर, तो वन जूल कूलम इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, ठीक है, उसका वो भी निकाल दिया इसने। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो किससे निकालेंगे, वोल्टमीटर, ठीक है, ऐसे करके इसका साइन आता है। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसको एमिटर को क्वेश्चन आएगा आपका, एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ डैश, इसमें सीरीज में है ना, एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ठीक है, अक्रॉस द पॉइंट विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने इंक्रीज चेक करना है उसके ऑपोजिट में, उसके पैरेलल में अटैच किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है छोटा सा, कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज टू कूलम अक्रॉस टू पॉइंट्स, ठीक है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना 12 वोल्ट। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस क्यू दैट फ्लो बिटवीन टू पॉइंट्स एट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है, इज इक्वल टू 12 वोल्ट इज 2 कूलम, सो दस द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डब्ल्यू डन इन मूविंग द चार्ज इज कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम इज इक्वल टू 24 जूल आ जाएगा। हम लोगों ने ऊपर फार्मूला पढ़ा था ये करने का, वोल्ट निकालने का ना, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था पोटेंशियल, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन कितना हुआ, ठीक है ना, हाउ मच वर्क डन, इसने क्वेश्चन पूछा हाउ मच वर्क डन इन मूविंग द टू चार्जेस, टू कूलम चार्जेस अक्रॉस अ टू पॉइंट। तो अगर वर्क डन, अगर वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है तो उधर ले जाऊँ ना, फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू आ जाएगा, है ना, यही आएगा। तो फिर वैल्यू पुट कर दो 12 इंटू 2, 12 क्या है वोल्ट, 2 क्या है कूलम, इज इक्वल टू 24 जूल के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू जूल। और ये आपके छोटी छोटी क्वेश्चन हैं, ये पढ़ते रहो। सर्किट डायग्राम क्या होती है, ख़त्म हो गया हुआ बस, ठीक है, ये लास्ट। सर्किट डायग्राम क्या रहती है भाई, सब देखो, सर्किट डायग्राम होती है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक
सर्किट हमको पता है, दो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वी शोन इन द नीचे शो किया था 12 पॉइंट ऊपर शो किया था मैंने कितनी बारी बता दिया, पढ़ लो इसको फटाफट। कॉम्प्राइज अ सेल बैटरी या प्लग की, सेल होता है बैटरी, प्लग की होती है, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होगी, कॉपर वायर यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम लोग, ठीक है ना। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम, हम लोग आराम से सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, इन विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ठीक है, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हर एक चीज़ को कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए। तो कन्वीनियंट सिंबल जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर गिवन इन द टेबल। सो ये आपके आगे कंपोनेंट, और ये आपको खुद ही देखना है, मैंने थोड़ी दिखाना, मैंने तो दिखा दिया, सेम ही इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे करके यूज़ करते हैं, बैटरी ऑफ कॉम्बिनेशन सेल है ना, तीन चार सेल को इकट्ठा कर दिया, उसका साइन ये रहा। प्लग अगर ओपन है, ओपन प्लग का साइन ऐसे रहेगा, अगर क्लोज है तो बीच में डॉट लगा दो, मतलब बीच में दीवार लगा दो ना, ठीक है ना। ओपन है तो ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो अगर क्लोज है तो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, बीच में कोई दीवार लगा दो ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए। वायर जॉइंट है यहाँ पे, तो जॉइंट है यहाँ पे, ये जॉइंट ऐसे करके शो करेंगे, ऐसे करके शो करेंगे, ये जॉइंट है भाई, ठीक है। वायर क्रॉस सेक्शन क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, सो ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। रेसिस्टर आगे आएगा, अभी आएगा रेसिस्टर, ठीक है, ओम्स लॉ में अभी रेसिस्टर आएगा, तो उसको ऐसे करके शो करना है। वेरिएबल रेसिस्टेंस ऑन रियोस्टैट, ये ऐसे करके शो होना, रियोस्टैट अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके भी ऊपर ना ये एरो शो करता है कि रेसिस्टेंस चेंज कर रही है, वेरी कर रही है, या फिर इस तरह से भी शो किया जाता है। एमीटर को शो किया जाता है ए से गोला डाल के, ए और वोल्ट मीटर को वी डाल के, ठीक है। वी जो है वो पैरेलल लगता है सर्किट के साथ, और एमीटर जो है वो सीरीज़ में लगता है। पैरेलल और सीरीज़ की हम लोग आगे करेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं थक गई 52 मिनट्स में थक गई सीरियसली, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आपने क्या करना, समझ आ गई ना आपको, अगर आपको समझ आ गई है तो एक लाइक तो बनता ही है ना, है ना, फटाफट एक लाइक कर दो, फटाफट कर दो, अगर नहीं किया है तो कर दिया है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। एंड उसके बाद क्या करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लेट्स लर्न विद डी ए, एंड और क्या करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ, याद से कर देना। अब ये मत कहना कि मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, मैं शेयर नहीं करूँगी, प्लीज़ कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कर दो, ठीक है, सो दैट मेरे को भी सब्सक्राइबर्स चाहिए हैं और मुझे भी ज़्यादा व्यूज़ चाहिए यार, मेरा नया चैनल है और मुझे लगता है मैं कईयों से ज़्यादा बेटर पढ़ाती हूँ, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ डू अ फेवर फॉर मी, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करा करो, और उनको रिकमेंड करोगी मैम का चैनल को सब्सक्राइब करके, उनको देखो भी, मुझे वॉचिंग आवर भी चाहिए, ठीक है ना। सो चलो फिर मिलते हैं, कल मैं मिलती हूँ, ओम्सला लेकर आती हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ओम्सला लेकर आऊँगी, आपको अच्छे से समझा दूँगी, ओम्सला बहुत पेपर में आता है, बहुत नंबर का आता है। सो चलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। और funzilla.com पे भी मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहती हूँ, आज शायद मैं पेंटिंग लेकर आऊँगी, अपने फ्रेंड का, अपने स्टूडेंट का पोर्ट्रेट लेकर आऊँगी, तो वो भी देखते रहना, ठीक है, बाय, सी यू, टाटा, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।